ये आ रहे हैं जनाब, आप देख सकते हैं अमन गए पैगाम लिए। ये शोरकोट से निकली है पैगाम लेके, हम इनका व्यूज वगैरह लेंगे। आप देख सकते हैं अड्डा 217 पर ये पहुंच गई है। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग हैं माशाल्लाह। ये आप देखें जी, ये लोग देखने के लिए इस वक्त जमा हो चुके हैं और ये अमन का पैगाम लिए शोरकोट से। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? हमें सर बहुत खुशी है आपने ये काम किया। आप पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आपने थोड़े से व्यूज दे दें ताकि आपका पैगाम सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंच जाए पूरे पाकिस्तान में। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल जाट है और मेरा ताल्लुक शोरकोट शहर जिला जंग से है माशाल्लाह। 17 नवंबर 2018 को पैगाम अमन के नाम से इस फाख्ता के ऊपर हमने सफर शुरू किया। चूँकि फाख्ता को दुनिया में अमन की अलामत कहते हैं, हमने इसको अपनी सवारी बनाया ताकि जिन लोगों से हमारी बात ना भी हो उन तक भी हमारा खामोश मैसेज चला जाए और नई नस्ल के दिमाग में अमन की बात नक्श हो जाए जी। तो दोस्तों आज मैं 2 माह और 6 दिन के सफर के बाद आपके शहर में मौजूद हूँ और मैं अभी इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ। और हमारे इस सफर का जो मकसद है वो ये है कि हमने दुनिया को बताना है कि हम पाकिस्तानी कौम एक पुरअमन कौम है और हम दुनिया में अमन चाहते हैं। और इसके साथ मैं लैया के तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने हर जगह पर, यानी जब से मैं लैया की हदूद में दाखिल हुआ हूँ, मैं जिस जगह पे रोकता हूँ लोग एक बहुत बड़े मजमे के साथ हमारा भरपूर इस्तकबाल करते हैं जी। और इससे जाहिर होता है कि लैया के तमाम लोग और बहुत पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्लैपिंग। दोस्तों इसके साथ हमें मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि कौमों को जिंदा रखने के लिए कौमों को काम करना पड़ता है। पिछले चंद सालों में चंद दहशत गर्दों ने हमारे मुल्क का और हमारी कौम का इमेज खराब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने और हमारी पुलिस ने और हमारी कौम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह उन दहशत गर्दों को शिकस्त दी। अब हम पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको अमन अमान सलामती से पहुंचाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत वेलकम 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 मोस्ट वेलकम। देख सकते हैं आप ये सभी लोग मोहब्बत का इजहार करते हुए अपना, आपको फाख्ता का भी थोड़ा सा डिजाइन दिखा सकूं। अमन का पैगाम बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया और ये मेरी वीडियो शेयर करें, जितना हो सके इस पैगाम को फैलाएं। सभी दोस्तों का शुक्रिया, हमारा फर्ज बनता है हम अपना ये जो पैगाम है अमन का पूरे वर्ल्ड में दिखाएंगे, हम अमन चाहते हैं माशाल्लाह। ये जी एक रक्षे पे उन्होंने बनाया है, सभी दोस्तों से लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।